अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने हिंदू और सिखों पर बड़ा ऐलान कर भारत को खुश कर दिया। दरअसल अफगानिस्तान की सत्ता चला रही तालिबान की सरकार ने धार्मिक अल्पसंख्यकों को बड़ा गिफ्ट दिया और कह दिया कि हिंदू और सिखों को जमीनें वापस की जाएंगी। अब तालिबान का ये बयान भारत की विदेश नीति के लिए एक बड़ी सफलता है, क्योंकि भारत लगातार हिंदू और सिखों के खिलाफ हो रहे अत्याचारों पर लड़ रहा। एक और एलिमेंट ये है कि जब हमारे ऊपर क्रॉस बॉर्डर का पूरी दुनिया में हमें बदनाम कर दिया, हम डिफेंसिव पे चले गए। इंडिया हैज स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी टुवर्ड्स पाकिस्तान। उनको पता है कि पाकिस्तान की तरफ क्या पॉलिसी रखनी है। पाकिस्तान को हमने मलाइन करना है, पाकिस्तान को दबाव में रखना है, पाकिस्तान को डैमेज करना है, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना है। तालिबान गवर्नमेंट इन अफगानिस्तान, उनकी तरफ से ये ऐलान किया गया है, बताया गया है कि अफगानिस्तान ने ये डिसाइड किया है कि वो हिंदूज और सिख्स को, जो माइनॉरिटीज हैं, उनकी प्रॉपर्टीज जो के जो वार लॉर्ड्स हैं उनके पास चली गई थी, और वार लॉर्ड्स ने ये जमीनें हथिया ली थी, उनके ऊपर कब्जा कर लिया था, तो उनसे रिक्लेम करके, उनसे वापस लेके अब ये तमाम प्राइवेट प्रॉपर्टी हिंदूज एंड सिख्स को वापस की जाएगी। एक तरफ अगर अफगान तालिबान के जो ताल्लुकात पाकिस्तान से खराब हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ वो अपने ताल्लुकात एस्टेब्लिश कर रहे हैं भारत के साथ। अब आप ये देखिए, उनकी फॉरेन पॉलिसी की कामयाबी का अंदाजा ये कीजिए कि अभी तक इंडिया ने अफगान तालिबान गवर्नमेंट को रिकग्नाइज नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद अफगानिस्तान की तरफ से जितने भी स्टेप्स लिए जा रहे हैं वो इंडिया के फायदे के लिए, इंडिया को सहूलतें प्रोवाइड करने के, वो अफगानिस्तान में मौजूद ऐसी प्रॉपर्टीज जो कि हिंदूज और सिख्स की हैं वो उनको वापस कर रहे हैं। कि इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल भी दुशांबे गए और उसके बाद उन्होंने ऐसी मीटिंग्स और कॉन्फ्रेंसेज अटेंड की जिसमें उनकी मुलाकातें हुई अफगान अथॉरिटीज के साथ। आमिर खान मुत्तकी, जो कि अफगानिस्तान की तरफ से वो वहां पर गए इंडिया, आमिर खान मुत्तकी ने अभी कुछ अरसा पहले इंडिया का विजिट भी किया जहां पर उनकी मीटिंग हुई इंडियन अथॉरिटीज के साथ। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। एक और एलिमेंट ये है कि जब हमारे ऊपर क्रॉस बॉर्डर का पूरी दुनिया में हमें बदनाम कर दिया, हम डिफेंसिव पे चले गए, वो जबकि हम डिनाई करते थे कि हमने ही भाई हमारे पे इल्जाम है, वो ओन कर रहे हैं एंड वी हैव नॉट बीन एबल टू एक्सप्लॉइट इट या यूज इट। कि यार ये देखें, ये खुलेआम ये बदमाशी हो रही है। देखें जी, असल मसला ये है कि इंडिया हैज स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी टुवर्ड्स पाकिस्तान। उनको पता है कि पाकिस्तान की तरफ क्या पॉलिसी रखनी है। पाकिस्तान को हमने मलाइन करना है, पाकिस्तान को दबाव में रखना है, पाकिस्तान को डैमेज करना है, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना है हर लेवल पर। हमारी पॉलिसी में स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी नहीं है। हम कभी कहते हैं कि मोदी के आने से बड़ा अच्छा हो जाएगा, हमने ट्वीट भी की 5 साल पहले कि बड़ा अच्छा है, मोदी आएगा तो कश्मीर का मसला हल होगा। फिर जो पिछली मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट थी, उन्होंने कहा जी मोदी के साथ तो हमारे कश्मीर पर भी बातचीत चल रही है, वो हर बात करने को तैयार है। पाकिस्तान की पोजीशन क्या है खारजी महाज पे? सताई है बहुत ज्यादा, या आप कह सकते हैं बेहतर है? मैं जो कह रहा था ना, परफेक्ट स्टॉर्म, एक्चुअली एक फिल्म भी है परफेक्ट स्टॉर्म में, कि सुनामी भी आ रही है, जो भी जो उस तमाम चीजें मिला के जो जो खराब हो सकती है ना वो खराब हो जाती है। वो सब तूफान इकट्ठे मिल जाते हैं, तो हमारा परफेक्ट स्टॉर्म इसीलिए खुदा ना खास्ता बनता हुआ नजर आ रहा है। एक तो ये जो दाखिली मामला हमने डिस्कस किए हैं कि बहुत ही पेचीदा है, जो हमें चैलेंजेस दरपेश हैं उसके लिए हमारी पॉलिटी के अंदर वो वाला पोलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है जिसकी वजह से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। एक तो दाखिली सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, मगर साथ में कंपाउंड हो जाता है कि हमारे अब जो टोटल पाकिस्तान के चार ही हमसाए हैं ना, चारों के साथ कोई ना कोई हमारी प्रॉब्लम है। तो अफगानिस्तान इंडिया के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस चाहता है। अफगानिस्तान की तरफ से ये एक बहुत पॉजिटिव जेस्टर है, ये कहना है इंडिया का, और ये इंडिया की एक बहुत बड़ी ट्रायंफ, एक ऐसी जीत, एक ऐसी विक्ट्री है कि जिसमें इंडिया की वो एंगेजमेंट्स जो कि तालिबान हुकूमत के आने के कुछ अरसे के बाद स्टार्ट हुई थी, जिसमें हमने देखा कि इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल
भी दुशांबे गए और उसके बाद उन्होंने ऐसी मीटिंग्स और कॉन्फ्रेंसेज अटेंड की जिसमें उनकी मुलाकातें हुई अफगान अथॉरिटीज के साथ। आमिर खान मुत्तकी जो कि अफगानिस्तान की तरफ से वो वहां पर गए इंडिया, आमिर खान मुत्तकी ने अभी कुछ अरसा पहले इंडिया का विजिट भी किया जहां पर उनकी मीटिंग्स हुई इंडियन अथॉरिटीज के साथ। तो जो अजीत डोवल हैं एनएसए इंडिया, उनकी ये कारकर्दगी की एक बहुत बड़ी कामयाबी नजर आ रही है, इंडियन फॉरेन पॉलिसी की ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है, अगर इसको इस तरीके से कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इसकी वजह यह है कि जिस वक्त तालिबान आए थे, तालिबान हुकूमत आई थी, उस वक्त हिंदूज और सिख्स की एक बड़ी तादाद जो कि टोटल 1% ऑफ अफगान पॉपुलेशन बताई जाती है वो माइग्रेट कर गए थे, वो अपना बोरिया बिस्तर समेट कर चले गए थे इंडिया। इंडिया ने वहां पर उनको रिजाइड करने के लिए वहां पर जगह दी थी, इंडिया ने उनको वहां पर जगह प्रोवाइड की। इसकी वजह यह है कि जिस वक्त अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत आई तो तालिबान हुकूमत को इंडिया की तरफ से अप्रूव नहीं किया गया या रिकग्नाइज नहीं किया गया और अभी तक नहीं किया गया। अब आप ये देखिए उनकी फॉरेन पॉलिसी की कामयाबी का अंदाजा ये कीजिए कि अभी तक इंडिया ने अफगान तालिबान गवर्नमेंट को रिकग्नाइज नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद अफगानिस्तान की तरफ से जितने भी स्टेप्स लिए जा रहे हैं वो इंडिया के फायदे के लिए, इंडिया को सहूलतें प्रोवाइड करने के लिए, इंडिया को सपोर्ट करने के लिए लिए जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान जो कि डेकेड से मिलियंस ऑफ 20-30 मिलियंस अफगानिस को पाकिस्तान के अंदर पना दी, और उस वक्त के जब वो एक जिहाद शुरू हुआ तो उसके बाद वो उनकी जनरेशंस वहां पर जवान हुई और पली बढ़ी, लेकिन अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के हालात वो हैं कि दोनों एक दूसरे को काट खाने को दौड़ते हैं। आपने देखा होगा, हमने आपको खबरें तमाम पहुंचाई कि किस तरीके से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो मारामारी हुई है, पहले तो यानी मुंह से यानी एक दूसरे को वर्बली बहुत बुरा भला कहा गया, डिफेंस मिनिस्टर ने पाकिस्तान के ख्वाजा आसिफ ने क्या क्या कुछ कहा, उन्होंने कहा कि हमसे जो है वो करने की कोशिश मत करें, अपनी उसमें औकात में रहें वगैरह, इस तरह की बहुत सारी बातें। फिर अफगानिस्तान सिंह की तरफ से ये कहा गया, सबीला मुजाहिद की तरफ से, कौन हो तुम, और इस तरह की चीजें चलती रही हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि इससे भी ऊपर के लेवल पर जो है एक दूसरे को इस तरह की बातें, और उसके बाद फिर जो है झड़प भी, सिर्फ बातों तक ही बातें नहीं बल्कि झड़प भी हुई, तो मामला जो है वो जंग तक पहुंचा। वो तो एक तरफ हम देख रहे हैं कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ फाइट करने में दिलचस्पी रखता है, पाकिस्तान के साथ जो है वो ताल्लुकात उसके बेहतर नहीं हो रहे, इसके बावजूद के जो बरादराना ताल्लुकात हमेशा से एक नो वो जो सो कॉल्ड बरादराना ताल्लुकात मुस्लिम उम्मा वो सब कुछ पता नहीं कहां धरे का धरा रह गया। तो देखिए पाकिस्तान ने 30 मिलियन अफगानिस को अपने मुल्क में रखने के बावजूद फॉरेन पॉलिसी का हाल देखिए कि उनसे इस वक्त ताल्लुकात ऐसे हैं कि जंग तक बात पहुंची हुई है। लेकिन इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की जीत आप देखिए कि कैसी जबरदस्त वो फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं, वो कितने आजाद होते हैं अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाने में कि उन्होंने इंडिया ने अफगानिस्तान की तालिबान गवर्नमेंट को अभी तक रिकग्नाइज नहीं किया ऑफिशियली, लेकिन अपनी एंगेजमेंट जो है वो स्टार्ट कर दी। अच्छा, अब आप हम इसकी तरफ वापस लौटते हैं कि हमने ये देखा कि जब जो तालिबान है उनकी हुकूमत आई अफगानिस्तान के अंदर तो इंडिया ने अपना जो एम्बेसीज है वो बंद कर दी, वहां पे एम्बेसी बंद कर दी और बोरिया बिस्तर समेट कर इंडिया वापस चला गया। इंडिया उन्होंने कहा कि नहीं, ये तालिबान के साथ जो है बातचीत नहीं हो सकती, लेकिन फिर वक्त को देखते हुए, वो कहते हैं ना कि वक्त देखो और वक्त की तलवार की हार देखो, तलवार कुछ ऐसा ही कुछ कहा जाता है, उन्होंने जो वक्त है जो टाइम है उसको देखते हुए कि इस वक्त उनको क्या करना चाहिए, उन्होंने तालिबान के साथ एंगेजमेंट शुरू की। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFCZ को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।